सो वेलकम बैक गाइज यूट्यूब चैनल शर्मा क्रिएशन। तो दोस्तों आज की जो हमारी वीडियो है वो कॉल फॉरवर्डिंग से रिलेटेड होने वाली है, किसी मोबाइल फ़ोन में कॉल फॉरवर्डिंग कैसे करें। सो दोस्तों आज के जो हमारे पास जो फ़ोन है वो HTC कंपनी का मोबाइल है। सो गाइज सबसे पहले आपको अपनी कॉल फॉरवर्डिंग करने के लिए अपने सेटिंग ऑप्शन को ओपन करना होगा यहाँ पर। एंड यहाँ पर सेटिंग्स ऑप्शन को ओपन करने के बाद आपको ऊपर स्क्रॉल कीजिए एंड आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा नीचे कॉल का, इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। एंड सिंपली दोस्तों आपको यहाँ पर जो भी अपने नंबर को फॉरवर्ड करना है उस नंबर की सिम को आपको सिलेक्ट करना है यहाँ पर। अगर आपके मोबाइल में दो सिम है तो आपको एक सिम को सिलेक्ट करना है यहाँ पर। एंड यहाँ पर सिंपली दोस्तों इस मोबाइल में ओनली एक ही सिम है तो मैं सिम वन को सिलेक्ट करूँगा यहाँ पर। एंड इतना करने के बाद आपको यहाँ पर करना क्या है, यहाँ पर GSM कॉल सेटिंग्स का ऑप्शन है, इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। एंड दोस्तों आपको बता दूं कि शर्मा कृष्ण यूट्यूब चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस, ऐप रिव्यूज एंड लेटेस्ट यूट्यूब टिप्स मिलती रहेंगी। सो गाइज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए। सो गाइज आगे का जो स्टेप है आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको फर्स्ट वाला ऑप्शन यहाँ पर दिख रहा होगा कॉल फॉरवर्डिंग, आपका जो ऑप्शन है ये आपको दिख रहा होगा कॉल फॉरवर्डिंग का, इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। एंड यहाँ पर आपका जो रीडिंग सेटिंग्स है इसको रीड किया जा रहा है फ़ोन के द्वारा आपके, तो आपको इस टैप के करने के बाद आपसे यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा ऊपर ऑलवेज फॉरवर्ड और फॉरवर्ड वहन बीजी, फॉरवर्ड वहन अनआंसर्ड, फॉरवर्ड वहन अनरीचेबल। तो यहाँ पर दोस्तों इन चार ऑप्शन का मतलब क्या था, ऑलवेज फॉरवर्ड में तो आप अपने मोबाइल्स को कम्प्लीटली फॉरवर्ड कर सकते हो, अगर आपका मोबाइल ऑन है या स्विच ऑफ है तो आप किसी भी कंडीशन में अपने मोबाइल की कॉल फॉरवर्ड कर सकते हो। पर तो सिंपल आपको ऑलवेज फॉरवर्ड करना है तो हमेशा के लिए अपनी कॉल किसी दूसरे नंबर पर फॉरवर्ड करनी है, या यहाँ पर दोस्तों अगर आपका मोबाइल स्विच ऑफ है तो भी आपकी जो कॉल है वो फॉरवर्ड होगी दूसरे वाले नंबर के ऊपर। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, आपको यहाँ पर 10 डिजिट का नंबर जो आपको जिस भी नंबर के ऊपर आपको अपनी कॉल को फॉरवर्ड करना है उसका यहाँ पर 10 डिजिट के अक्षर यहाँ पर डालने होंगे, अपना मोबाइल नंबर जो भी आपका सेकंड मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर आपको डालना होगा। और अगर यहाँ पर दोस्तों सेकंड वाला ऑप्शन जो फॉरवर्ड वहन बीजी, फॉरवर्ड वहन बीजी में आपका क्या होता है, जब अगर आपके कॉल के ऊपर कोई भी कॉल आई हुई है, अगर आपकी पहले से ऑलरेडी कोई कॉल आई हुई तो आपकी जो फॉरवर्डिंग है वो तभी होगी। यहाँ पर अगर इस वाले ऑप्शन पर करते हो तो अगर आप बिजी हो तो तभी आपकी कॉल फॉरवर्डिंग होगी। एंड यहाँ पर अनआंसर्ड, अगर आप कुछ आंसर नहीं देते हो किसी भी पर्सन को तब आपकी कॉल फॉरवर्ड होगी दूसरे बंदे के पास जो भी आपने नंबर डाला है 10 डिजिट का। एंड यहाँ पर अनरीचेबल, अगर आपका फ़ोन रीचेबल नहीं है तो अगर आप इस कंडीशन में इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हो तो आपकी जो कॉल फॉरवर्डिंग है उसी टाइम आपकी जब आपका अनरीचेबल फ़ोन आए तब आपकी कॉल फॉरवर्डिंग होगी। एंड ऑलवेज फॉरवर्ड के ऑप्शन के यहाँ पर बेटर ऑप्शन है दोस्तों, यहाँ पर 10 डिजिट का नंबर डालिए और आपका फ़ोन चाहे स्विच ऑफ हो, चाहे बिजी हो, चाहे अनआंसर्ड हो, आपकी जो कॉल है वो फॉरवर्ड होगी। सो गाइस आज की वीडियो में इतना ही। सो वीडियो कैसी लगी लाइक कीजिए एंड कमेंट करके बताइए कि वीडियो आप सभी को कैसी लगी। एंड सो दोस्तों चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सो थैंक यू गाइज़।